हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे अपने चैनल सोमदा डी जी गुरु में। आज पीएम किसान ई केवाईसी के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी लोग परेशान है इस चीज़ के लिए कि ई केवाईसी ऑनलाइन नहीं हो रही है, क्या कारण है इसका और ये कैसे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ई केवाईसी कैसी होगी और 90 इंस्टॉलमेंट जो 2023 है आपके अकाउंट में कैसे आ सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके पास ऐसी बेहतरीन और अच्छी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे मेरे द्वारा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी हो जाती थी, उसमें अब क्या चेंजेस आए हैं। चेंजेस ये आए हैं कि पहले जो ई केवाईसी ऑनलाइन का ऑप्शन आता था, अब उस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया है, मतलब कुछ टाइम के लिए उसको हटा दिया गया, ये कह सकते हैं आप। अब क्या करना होगा आपको, अब इसके लिए आपको नियर बाय जो जनसेवा केंद्र होते हैं सीएससी सेंटर, अब खाली सीएससी सेंटर वालों की बायोमेट्रिक से आप अंगूठा लगा के अपनी ई केवाईसी करवा सकते हैं। 20-50 रुपए चार्ज लेगा मैक्सिमम, और नियर बाय जहाँ भी जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर आपको दिखे आप वहां जाके अपना बायोमेट्रिक करवाएं और अपना जो 90 इंस्टॉलमेंट के लिए अपने ईकेवाईसी है वो अपने पूरी करवाएं। यही जानकारी थी, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत बेहतरीन रही होगी। नेक्स्ट टाइम अगर आप इसकी कोई भी जानकारी आती है, अगर ऑनलाइन प्रक्रिया चालू होती है दोबारा से, तो इसके लिए एक और वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।